अभी अभी मुसलमानों के लिए आई धांसू बुरी खबर। मुहर्रम ताजिया जुलूस पर योगी का दहाड़, धड़ाधड़ हुआ ऐलान, हर मुसलमान को सुनना जरूरी है। वो ऐलान किए हैं, अल्टीमेटम जारी किए हैं और कुछ खास 5 नए निर्देश भी जारी किए हैं, उसी के अंतर्गत में रहना है। और योगी आदित्यनाथ का हम बयान भी सुनाने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आप लोग बने रहें, जानकारी हासिल आप लोग करें ताकि आप कोई ऐसा वैसा गलती ना कर बैठें जिसकी वजह और जिसका कारण, जिसका सबब ये बनेगा कि आपको जेल के अंदर में भी डाला जाएगा, आप जेल भी साथ जा सकते हैं। तो ऐसी काम आप ना करें, क्योंकि आप अगर देखते जाएं तो हर साल में कुछ न कुछ इजाफा हो रही है और कुछ न कुछ प्रतिबंध जो है वो लग रही है और एक ख़ास चीज़ पर ध्यान रखी जा रही है और हर एक तरीके से गाइडलाइंस को जारी किए जाते हैं। कई ऐसी चीज़ों पर रोक भी लगाई जा रही है। रोक किस चीज़ पर लगाई जा रही है उसके बारे में हम अभी बातें करेंगे। और ये जो बातें करने वाले हैं वो ताज़िए को लेकर के है। योगी का ये निर्देश है दोस्तों, ये बयान है, उन्होंने बयान दिए हैं जिसको लेकर के मुसलमानों को सुनना और जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में जो है वो आगे लेकर के जाएं, खबर बताएं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर ये वीडियो दिखाना चाहूँगा तो दिखा देता हूँ। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो क्लिप आप लोग देख चुके हैं। इनका ये कहना है दोस्तों, ये सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुहर्रम में ये देखा जाता था कि मुहर्रम में जो ताज़िया लोग निकालते हैं वो ताज़िए के खातिर कई लोगों के घरे भी तोड़े जाते थे और कई ऐसे जो है वो पेड़, पीपल के पेड़ भी काटे जाते थे। हम जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी, निर्देश जारी करेगी, अगर उसके अंतर्गत में रहना है और काम करना है फिर कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इसके अंतर्गत में काम नहीं करेंगे, ऐसा आप जो है वो लेकर के हर एक चीज़ को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो आप घर में रहें और घर में मुहर्रम बनाएं, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और भी कई ऐसी चीज़ों को लेकर के है कि ताज़िए की स्थगित जो है वो कर दिया गया है कि आप 10 या 15 फीट से ज़्यादा ऊंचा जो है वो ताज़िया आप नहीं बना सकते हैं। और इस चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, बनाते हैं, तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी का ये निर्देश है और ये ऐलान कर चुके हैं कि ताज़िया जो इतना लंबा लंबा लोग बनाते थे वो ताज़िए का हाइट जो है वो हम छोटा कर दिए हैं, इससे ज़्यादा ऊँचा ताज़िया नहीं बना सकते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ों पर बात किए हैं कि सांप्रदायिक माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई जो है वो ख़राब करने की कोशिश करता है माहौल और वो अगर पकड़ में आता है तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को फुल्ली तौर पर ये इजाज़त है और ये ऐलान कर दिए हैं और हर एक चीज़ को वो मद्देनज़र में रखते हुए पीसफुल तरीके से अगर मना रहे हैं फिर तो ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप अगर जुलूस निकाल रहे हैं, आप त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मनाएँ, लेकिन ये ना हो पाए कि आपके खातिर, आपके चलते दूसरे समुदाय के लोगों को जो है वो आहत हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ और माहौल ख़राब हो, ऐसा वैसा काम आप नहीं कर सकते हैं, वरना अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा।